नमस्कार, SSN सॉल्यूशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम PI निकालने का नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने CF निकालने का मेथड डिस्कस कर लिया था, उसके बाद में PI का जनरल मेथड, उसके बारे में डिस्कशन किया, फिर e^ax जैसे फंक्शन थे उनके PI कैसे निकालते हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। आज हम डिस्कशन करते हैं cos ax और sin ax जैसे फंक्शंस के PI कैसे निकालेंगे। तीन टाइप के इनमें PI निकालने के मेथड होंगे, कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है, कौन सा कब करना है, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फर्स्ट है फंक्शंस कैसा है PI निकाले। जब फंक्शन कैसा हो sin ax या cos ax जैसा, कैसा फंक्शन हो, जब sin ax और cos ax जैसा फंक्शन हो उसके लिए PI निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके थ्री केस बनेंगे। कौन से? फर्स्ट, 1/fd² sin ax या cos ax, इसका बनेगा 1/f (-a²) sin ax as it is, और यदि cos ax आ रहा है तो वो as it is। ओके, इसका मतलब यदि sin ax का करेंगे तो ये आ जाएगा, cos ax का कर रहे हैं तो cos ax आ जाएगा। कब f - a² नॉट इक्वल हो 0, जब f - a² नॉट इक्वल हो किसके, 0 के। कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, यहाँ डी की जगह क्या रख देंगे, माइनस ए। डी की जगह नहीं रखना, किसकी जगह रख रहा है, d² की जगह -a² रखना है। क्या रखना है, d² की जगह -a² रखना है। यदि ओनली d आ रहा हो तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीपल करके d² बनाते हैं। कैसे बनाएंगे वो एग्जांपल में करेंगे, वहां डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ ये फॉर्मूला है, d² की जगह क्या रखना है, x का कोफिशियंट उसका स्क्वायर करेंगे और उसका नेगेटिव लेंगे, वो मान रखेंगे। साइन ax है तो साइन ax रहेगा, cos ax है तो cos ax रहेगा, f - a². सेकंड केस की बात करते हैं अपन, जब f - a² इक्वल आ जाए 0 के। जब f - a² किसके इक्वल आ जाए, 0 के, तब क्या बनेंगे, तब बनेंगे 1/d² + a² cos ax, यहां रखेंगे तो -a² 0 बन गया। इसका फॉर्मूला बनेगा x / 2a cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ax, क्या होता है, साइन पॉजिटिव होगा तो ये बन जाएगा। सेकंड, यदि साइन ax आ जाए तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का, तो इसमें आ जाएगा -x/2a cos ax। ये फर्स्ट केस, ये सेकंड केस। थर्ड केस की बात करें, जब यहां भी 0 बने, जब या तो इसकी पावर इससे ज्यादा हो या वैल्यू रखने के ऊपर 0 बने, तब अपन क्या करें, मतलब जब इसकी पावर 1 से ज्यादा हो तब क्या करते हैं, तब अपन नॉर्मली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/d² + a² की पावर यदि r है और cos ax आ जाए तो इसकी जगह लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ 1/d² + a² की पावर r e की पावर आयोटा ax, और यदि साइन में हो 1/d² + a² की पावर r साइन ax, तो हम करेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d² + a² की पावर r e की पावर आयोटा ax। ओके, ये होता है रियल पार्ट, रियल पार्ट जिसको बोलते हैं
वास्तविक भाग, ये होता है इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जिसको बोलेंगे काल्पनिक भाग। ये तो सभी जानते हैं कि ई की पावर आयोटा थीटा का मान क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये इसका रियल पार्ट होता है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यदि यहां हम लगाएं कि ई की पावर आयोटा थीटा का रियल पार्ट, इसका मतलब कोस थीटा की बात कर रहा है, तो इस कोस को ई की पावर में चेंज कर दिया, क्या लगा दिया रियल पार्ट, तो क्या जाएगा कोस थीटा। साइन क्या होता है, ई की पावर आयोटा थीटा का इमेजिनरी पार्ट, तो इसको ई की पावर आयोटा थीटा में लिखा और क्या लगा दिया इमेजिनरी पार्ट। तो ये फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को आप राइट कर लो, ये फॉर्मूले याद रखने हैं। जब डी स्क्वायर एफ ऑफ डी स्क्वायर की जगह डायरेक्ट मान ए स्क्वायर रख देंगे और कोई चेंज नहीं करेंगे, जब जीरो नहीं बने, यदि जीरो बनता है और इसकी पावर वन हो तब ये फॉर्मूला लगा देंगे, यदि इसकी पावर एक से ज्यादा हो तब अपन इसको इमेजिनरी और रियल में लिख सकते हैं। इसको भी इसी मेथड से कर सकते हैं, रियल और इमेजिनरी रख के, बट यदि जीरो नहीं बन रहा तो नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू इसको रखने पर ही बनी है। तो ये इसका जनरल मेथड होता है, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करने वाला है, ये इनके दो शॉर्ट मेथड होते हैं। तो मेथड कैसे कब कहाँ यूज करना है वो बता दिया, और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे जब हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, वहाँ बताएंगे कि इस मेथड में अपन यही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, बाकी क्यों नहीं कर रहे, तो वहाँ डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आज की सीरीज में स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर। एग्जाम्पल फर्स्ट है डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी वाई वाई डी एक्स इक्वल में साइन ए एक्स। क्या आ गया इक्वल में साइन ए एक्स, सी एफ सभी में चलेंगे, जहां तक ये एक्सरसाइज आगे चलेगी यूनिट सेकंड थर्ड फोर फाइव सभी में सी एफ आएंगे। पीआई यदि इक्वल में है तो पीआई आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम, इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी वाई इक्वल में साइन ए एक्स। क्या निकालें सबसे पहले सी एफ, क्या निकालें सी एफ, तो सी एफ के लिए क्या करना होगा, सी एफ के लिए इसको लिखेंगे डी क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी वाई इक्वल में जीरो। सी एफ में क्या करते हैं इक्वल में जीरो लगा देते हैं, फिर क्या करते हैं इसकी ऑक्सिलरी सीरीज लिखते हैं, ऑक्सिलरी सीरीज में क्या करेंगे डी को एम में कन्वर्ट कर देंगे, ए स्क्वायर एम बराबर जीरो, देखो एम कॉमन है, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल में जीरो, एम के मान आएंगे जीरो प्लस माइनस आयटा, बता रखा है प्लस आता है तो आयटा आता है, ये इसके मान आ गए। अब इसका सी एफ आपको बताया हुआ है, इसका सी एफ क्या बनेगा, इसका सी एफ बनेगा सी वन, कितने मान उतने कॉन्स्टेंट, सी वन ई की पावर जीरो है तो जीरो एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस आयटा के लिए बता रखा है क्या आएगा कोस और साइन, तो ये बनेगा सी टू कोस ए एक्स सी थ्री साइन ए एक्स, किसी की भी पावर जीरो होती है उसका मान वन होता है, तो फाइनली जो सी एफ है उसका मान क्या आ गया सी वन प्लस सी टू कोस ए एक्स प्लस सी थ्री साइन ए एक्स, इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये फाइनली हमारे पास सी एफ का मान आ गया। अब क्या निकाल ले पी आई का मान, तो पी आई के लिए क्या करते हैं फॉर पी आई के लिए क्या करेंगे, पी आई के लिए इसको नीचे लिख देते हैं, किसको
इसके फैक्टर को, डी तो कॉमन है ही, और क्या लिख दिया, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका कर रहे हैं, साइन ए एक्स का। वही कंडीशन जिस पे जीरो बन रहा है उस पे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे माइनस ए स्क्वायर, तो जीरो बन रहा है, तो वन अपॉन डी को तो रखा बाहर, चाहो तो पहले इसका कर लो या फिर इसका कर लो, एक ही बात है, वन अपॉन डी को बाहर लिखा और ये बन गया, या एक काम करो पहले इसका ही कर लो, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिस पे जीरो बन रहा है उसको बाहर करते हैं हमेशा अपन, यहां भी जीरो को बाहर कर रहे हैं, क्या लिखा, वन अपॉन डी साइन ए एक्स। ये बताया था मैंने कि डी यदि ऊपर है तो वो डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट करेगा, यदि डी नीचे है तो वो इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो वन अपॉन डी नीचे इसका मतलब ये इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स डी एक्स, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस, तो माइनस कोस ए एक्स, और ये ए का आ जाएगा नीचे, कांस्टेंट है तो ए को बाहर लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला नंबर सेकंड से, माइनस का वन अपॉन ए तो है ही, यहाँ क्या है, कोस कोस का इंटीग्रेशन साइन प्लस का होगा, तो एक्स अपॉन में टू ए साइन ए एक्स, तो इसका मान क्या आ गया, माइनस एक्स अपॉन में टू ए स्क्वायर साइन ए एक्स, माइनस एक्स अपॉन में टू ए स्क्वायर साइन ए एक्स, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इसका फाइनली जो जनरल सॉल्यूशन है वो y का मान क्या जाएगा, सी एफ प्लस पी आई लिखते हैं, तो सी एफ का मान समीकरण एक से क्या बन गया, सी वन प्लस सी टू कोस ए एक्स प्लस सी थ्री साइन ए एक्स, और पी आई का मान समीकरण दो से, तो माइनस का एक्स अपॉन में टू ए साइन ए एक्स, तो ये आ गया हमारे पास y का जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, पहले pi निकालेंगे, जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले से pi निकालेंगे, समीकरण एक देंगे, फिर cf निकालने के लिए फैक्टर के उनको नीचे लिखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और cf निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, यहाँ हम वही एग्जाम्पल्स इंक्लूड कर रहे हैं जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जिन एग्जांपल्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, जो सिंपल एग्जांपल है वो आप इजीली कर लोगे इनको समझने के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल सेकंड, डी माइनस वन का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वाई इक्वल में साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस ई की पावर एक्स। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने डी माइनस वन का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इंटू वाई इक्वल में साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस ई की पावर एक्स। पहले तो क्या करेंगे, सी एफ निकालेंगे, सी एफ के लिए CF के लिए क्या करेंगे, d माइनस वन स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वाई इक्वल में जीरो, फिर इसकी ऑग्जिलरी सीरीज d को m में कन्वर्ट कर देंगे और इक्वल में जीरो, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बनेंगे, m माइनस वन का स्क्वायर, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, m प्लस आयोटा और एम माइनस आयोटा स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस वन के फैक्टर क्या बनेंगे, एम प्लस आयोटा एन टू एम माइनस आयोटा स्क्वायर, तो इस पर भी और इस पर भी, तो इसके फाइनली मान क्या आ गए, एम का मान वन वन, टू टाइम तक तो वन आ गया, टू टाइम तक माइनस आयोटा टू टाइम तक प्लस आयोटा, इसका मतलब प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस आयोटा, टू टाइम्स तक प्लस माइनस आयोटा टू टाइम्स तक प्लस माइनस आयोटा
टू टाइम्स तक वर्ब, तो इसका जो सी ए बनेगा वो सी एफ क्या बन जाएगा, सी वन प्लस सी टू एक्स, बता रखा है ई की पावर एक्स, ऐसे इसका बनेगा सी थ्री प्लस सी फोर एक्स कोस एक्स प्लस सी फाइव सी सिक्स एक्स साइन एक्स, ये आ गया हमारे पास इसका सी एफ। अब क्या निकाल ले, अब इसका पी आई निकाल लेते हैं। तो पी आई के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे लिख देंगे बी माइनस वन का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ई की पावर एक्स। ओके, जिस फंक्शन का पी आई निकालना है उस फंक्शन को लिया ये वाला, और ये जो फैक्टर है उनको नीचे लिख दिया, ये इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, तो दोनों के साथ लिख देंगे इसको वन अपॉन में, इसके साथ ले रहे तो हमें डी स्क्वायर चाहिए, तो इसके साथ तो हमें इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, क्या बनेगा डी स्क्वायर माइनस का टू डी प्लस का वन डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। पहले इसको उसी फॉर्म में रहने दो, डी माइनस वन का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई टी है, साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन का है और कोस का है, तो इसको साइन और कोस में चेंज करेंगे, स्क्वायर है तो क्या लिख सकते हैं इसको, दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, एक तो कोस टू थीटा का टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक तो कोस टू थीटा का बनता है टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक बनता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से इसका फॉर्मूला बनेगा वन माइनस, इसका ट्वाइस करेंगे दुगुना करेंगे तो क्या बनेगा कोस एक्स अपॉन में ये टू आएगा, तो ये टू यहां ले e की पावर एक्स एज इट इज वन अपॉन में डी माइनस वन का स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर e की पावर एक्स। अब इनको सेपरेट कर लेंगे, ये बनेगा देखो वन बाय टू है, वन बाय टू के साथ में बाहर ले लेंगे वन बाय टू वन अपॉन में डी माइनस वन का स्क्वायर, क्या कर रहे हैं यहाँ पे सेपरेट कर रहे हैं, इस वन बाय टू के साथ में लेंगे फिर माइनस कोस एक्स बाई टू के साथ में लेंगे, पहले वन बाई टू के साथ ले रहे हैं वन बाई टू बाहर वन अपॉन में डी माइनस वन का स्क्वायर एज इट इज, यहां बनेगा डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ओके, जब मैंने बताया था कि वन है लास्ट लेक्चर में, वन की जगह अपन क्या लिख देते हैं ई की पावर जीरो एक्स लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं ई की पावर जीरो एक्स, इसका मान वन होता है, फिर इस कोस एक्स का लेंगे तो माइनस का वन बाई टू कोस एक्स ले रहे, इसका एक्सपेंशन कर दो, इसका तो रहने देना, इसका कर रहे वन अपॉन में डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, यहां काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस एग्जाम्पल में, ये आ गया डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दो, और क्या आ गया कोस एक्स प्लस वन अपॉन में डी माइनस वन का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर ई की पावर एक्स। अब क्या करें, इसका मान निकालने के लिए डी की जगह जीरो रख देते हैं, तो ये बनेगा वन बाई टू, इसकी जगह जीरो रखेंगे माइनस वन का स्क्वायर प्लस का वन बनेगा, जीरो रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन बनेगा, वन को वन से मल्टीपल करने पर भी वन आएगा, तो इसका मान आ गया वन बाई टू, यहां माइनस का वन बाई टू, क्या बता रखा है डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख दो यदि जीरो नहीं बनता तो, यहां नहीं रख सकते क्योंकि यहां डी स्क्वायर की जगह एक्स का कोफिशियंट क्या है वन, वन का स्क्वायर करेंगे तो भी वन, फिर उसका नेगेटिव लेना है, क्या रखना है हमें माइनस ए स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर करेंगे वन, उसका नेगेटिव माइनस वन, यहां माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन प्लस वन जीरो बन गया, तो यहां तो डी स्क्वायर की जगह मान नहीं रख सकते,
बट यहाँ डी स्क्वायर की जगह मान रख देंगे, डी स्क्वायर की जगह क्या मान रख देंगे, माइनस का वन। ओके, ऐसे नहीं कि डी की जगह फिर आप ज्यादा दिमाग लगा दो, डी स्क्वायर की जगह माइनस वन है तो डी की जगह क्या लिखेंगे, प्लस माइनस आयोटा। इतना दिमाग मत लगाना, उसके लिए अलग प्रोसेस है, उसी प्रोसेस से करेंगे, ठीक है। ओनली ये मेथड केवल डी स्क्वायर की वैल्यू देता है, डी की वैल्यू नहीं देता। डी क्यूब डी फोर की दे देगा आगे, डी क्यूब को अपन क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इंटू डी, तो इसका मान दे देता है वो, डी की पावर फोर का दे देगा माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, आगे की वैल्यू देगा बट एक डी का मान नहीं देगा। ओके, तो डी स्क्वायर से क्या रखना है, माइनस का वन रखना है, तो माइनस का वन बाई टू, वन अपॉन में यहां रख दिया माइनस का वन और ये प्लस का वन, कैंसिल करेगा क्या बचेगा, माइनस टू डी, माइनस वन प्लस वन को कैंसिल कर दिया, माइनस टू डी क्या बचा है, वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर कोस एक्स प्लस, यहां भी इसका मान रखेंगे तो देखो इस पे जीरो बन रहा है, डी की जगह वन रखेंगे तो जीरो, इस पे मान रख सकते हैं तो इस पे जिसमें मान रख सकते हैं उस पे रखेंगे, डी की जगह वन रखेंगे तो वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर फोर, फोर आ जाएगा बाहर, वन अपॉन में फोर क्या बच गया, डी माइनस वन का स्क्वायर ई की पावर एक्स। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास क्या बच गया, वन बाई टू, वन बाई टू माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई टू फोर हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस वन बाई फोर। देखो एक डी नीचे आ रहा है, अभी किया था, डी का मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो पहले लिख लो इसको, वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन अपॉन डी का मतलब इंटीग्रेशन किसका, कोस एक्स डीएक्स प्लस प्लस, यहां लिखेंगे वन बाई फोर, वन बाई फोर, वन अपॉन में डी माइनस वन का स्क्वायर ई की पावर एक्स। ओके, इसको यहां राइट कर दिया अपन ने, इक्वल्स टू ये वन बाई टू एज इट इज प्लस वन बाई फोर, वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, सॉरी वन बाई फोर, इसका फॉर्मूला बता रखा है, एक्स की पावर करेंगे तो एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू ई की पावर एक्स, क्या बन गया हमारे पास, वन बाई टू जो बन गया उनको पहले लिख रहे हैं, वन बाई एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, क्या बच गया, वन बाई फोर, बता रखा है इसका मान यदि जीरो बन जाए तो क्या करेंगे, इसको ई की पावर में चेंज करेंगे, साइन है तो क्या लिख देंगे, इमेजिनरी पावर। तो पहले तो इसको लिख दो, आगे सॉल्व करेंगे, इतनी टर्म्स लास्ट तक नहीं लिखेंगे अपन, क्यों छोटी टर्म्स लेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर साइन एक्स, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमने सी एफ को दे दिया था और सेकंड इक्वेशन आप इसको दे दो, अब केवल इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए केवल उसी पार्ट को अपन लेकर के चलेंगे और इसको भी नहीं लेकर के चलेंगे, इस वन बाई फोर को भी बाहर कर दो, केवल इसी को लेकर के चलेंगे। नाउ ये हम जानते हैं कि वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर साइन एक्स है, इसको लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका,
वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर ई की पावर आयोटा एक्स का। ओके ये इमेजिनरी पार्ट इसका निकाल ले, जो मान आएगा वो इसका मान आ जाएगा इक्वल में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ चलता रहेगा, ये मान रखेंगे तो x का कोफिशियंट रखेंगे, तो पहले d में बनाएंगे अपन, इसके फैक्टर करेंगे क्योंकि जीरो बनेगा, आयोटा रखेंगे तो माइनस वन जीरो बन रहा है, तो पहले वो फैक्टर अलग करो जो जीरो बना रहा है, तो यहाँ वन अपॉन में d प्लस आयोटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, और d माइनस आयोटा का स्क्वायर और ये की पावर आयोटा। ओके ऐसे अपन ने इसको एडजस्ट कर दिया, अब आयोटा रखने पे जीरो ये बना रहे, इसको तो कर दो बाहर, इसको रहने दो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन में डी माइनस आयोटा का स्क्वायर, वन अपॉन में डी प्लस आयोटा का स्क्वायर ई की पावर आयोटा एक्स। यहां इसका डायरेक्ट मान रख देंगे, क्या आएगा इसका डायरेक्ट मान, इमेजिनरी पार्ट ऑफ वन अपॉन में डी माइनस आयोटा का स्क्वायर एज इट इज, डी की जगह आयोटा रखेंगे तो आयोटा आयोटा टू आयोटा, टू आयोटा के स्क्वायर करेंगे माइनस का फोर, माइनस का वन बाई फोर ई की पावर आयोटा एक्स, इमेजिनरी पार्ट चलता रहेगा, माइनस वन बाई फोर को कर दो आप बाहर, कॉन्स्टेंट है, वन अपॉन में डी माइनस आयोटा का स्क्वायर ई की पावर आयोटा एक्स। क्या बता रखा है इसका फॉर्मूला, जितनी पावर उतना मान, तो माइनस का वन बाई फोर इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसके फॉर्मूला लगा दो एक्स स्क्वायर बाई टू ई की पावर आयोटा एक्स इक्वल में माइनस का वन बाई फोर इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसका एक्सपेंशन कर दो आप ई की पावर आयोटा एक्स का, क्या बनेगा x स्क्वायर बाई टू था जी टी कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इक्वल्स टू, अब देखो इस इमेजिनरी पार्ट को हटाएंगे, इमेजिनरी पार्ट का मतलब वो पार्ट लेना है जिसमें आयोटा आ रहा है, आयोटा किस में आ रहा है साइन में आ रहा है, रियल की बात नहीं कर रहा तो रियल वाला कैंसिल हो जाएगा, इमेजिनरी का मतलब इसके अंदर हमें केवल इमेजिनरी पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है केवल साइन एक्स वाला, तो साइन एक्स वाला ले ले, तो माइनस का वन बाई फोर एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये टू इस फोर को करेगा एड साइन एक्स, इसको दे दो आप इक्वेशन थर्ड, तो इसका जो फाइनली हमारे पास इसका पीआई है वो पीआई क्या आ गया, ये मान यहां रख देंगे सेकंड में इक्वेशन थर्ड का मान रख देंगे, तो क्या जाएगा वन बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स बाई एट, यहां वन बाई फोर ये माइनस का है तो माइनस का बन जाएगा माइनस के वन अपॉन थर्टी टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फोर, ये हमारे पास फाइनली पीआई का मान आ गया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है y की, किसकी निकालनी है y की, y का मान क्या होता है cf प्लस pi, ओके तो यहां cf और pi को ऐड कर देंगे, y का मान आ जाएगा, तो y इक्वल में cf, cf क्या है ये पूरा, ठीक है दोनों को ऐड करके लिख दे आ जाएगा इसका मान। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये आपके एग्जाम्पल्स थे, अब एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन से ले लेते हैं आपके जिनमें डाउट्स रहते हैं ज्यादा, जो सिंपल वाले हैं वो आप इजीली कर लोगे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर है वो आप देख लेना, इसमें जेपीएच के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, तो कौन सा क्वेश्चन है वो सीक्वेंस में देख लेना, क्वेश्चन ले रहे हैं हम डी स्क्वायर प्लस वन की पावर टू वाई इक्वल में कोस एक्स कोस टू एक्स, ये क्वेश्चन है
डी स्क्वायर प्लस वन की पावर टू वाई इक्वल में कोस एक्स कोस टू एक्स। देखो दो फंक्शन मल्टीपल में आ गए, प्लस माइनस का तो हम सेपरेट करके कर लेते हैं, बट यदि मल्टीपल में आ जाए तो पहले इनको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, वो तो पी आई की बात करेंगे, पहले सी एफ निकाल लो, सी एफ में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट करेंगे इसका सी एफ एक्सिलरी इक्वेशन में, तो ये बनेगा एम स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर बराबर जीरो, एम प्लस आयटा का स्क्वायर एम माइनस आयटा का स्क्वायर जीरो, एम के मान क्या आ गए प्लस माइनस आयटा दो बार, तो सी एफ क्या आ गया सी वन प्लस सी टू एक्स कोस एक्स, सी थ्री प्लस सी फोर एक्स साइन। ओके ये हमारे पास में इसका सी एफ आ गया, इसको दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब पी आई निकालते हैं, तो अब हमें सेपरेट करना पड़ेगा, तो वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टू कोस एक्स कोस टू एक्स बाई टू, से ऊपर नीचे मल्टीपल कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला होता है टू कोस सी कोस डी का कोस सी प्लस डी प्लस कोस सी माइनस कोस सी प्लस डी प्लस कोस सी माइनस डी। तो यहां इसका वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो वन अपॉन में टू डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर कोस एक्स और टू एक्स जुड़ के थ्री एक्स, इसमें इसको माइनस करेंगे तो कोस माइनस एक्स आएगा, उसका मान वही होता है प्लस का, क्यों, क्योंकि कोस माइनस थीटा का मान क्या होता है कोस थीटा। ओके तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस नहीं लेते पॉजिटिव ही लेते। अब इनको सेपरेट कर सकते हैं, वन अपॉन में टू डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर कोस थ्री एक्स प्लस वन बाई टू डी स्क्वायर प्लस वन कोस एक्स। अब देखो यहां डी स्क्वायर की जगह मान रखेंगे तो जीरो नहीं बनेगा, डायरेक्ट रख देंगे, बट यहां डी स्क्वायर की जगह जैसे माइनस वन रखेंगे तो जीरो बनेगा, जीरो बनेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला भी फेल हो गया क्योंकि पहले से डी स्क्वायर प्लस है, तो कौन सा बचता है e की पावर आयटा वाला ही बचता है, तो वो फॉर्मूला यहां लगाएंगे, इसको तो डायरेक्ट कर लेते हैं, ये बनेगा यहां डी स्क्वायर की जगह माइनस नाइन रखो तो माइनस का एट आएगा, माइनस एट का स्क्वायर प्लस के सिक्सटी फोर, और सिक्सटी फोर को टू से मल्टीपल करेंगे तो आएगा वन अपॉन में वन ट्वेंटी एट कोस थ्री एक्स प्लस, इसको आप एजिटीज रहने दो, वन बाई टू डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर कोस एक्स। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर डाल दो सेकेंड, अपन इसको केवल इसको लेकर के चलेंगे, वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर कोस एक्स, इसको क्या ले सकते हैं रियल पार्ट ऑफ वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर e की पावर आयोटा, इसको लिख सकते हैं अपन रियल में, वहां साइन था तो इमेजिनरी लिखा था, यहाँ कोस है तो रियल लिख देंगे, डी स्क्वायर की जगह ये रखेंगे तो जीरो बनेगा, तो वो फैक्टर को बाहर करो पहले, रियल पार्ट ऑफ वन अपॉन में डी प्लस आयोटा का स्क्वायर डी माइनस आयोटा का स्क्वायर e की पावर आयोटा, ये जीरो बना रहे हैं इसको बाहर कर देंगे, इसमें डायरेक्ट मान रख देंगे रियल पार्ट ऑफ, इसको बाहर वन अपॉन डी माइनस आयटा का स्क्वायर, इसमें डायरेक्ट मान रखेंगे तो आयटा आयटा टू आयटा टू आयटा का स्क्वायर माइनस का फोर, तो माइनस का वन बाई फोर ई की पावर आयटा, रियल पार्ट ऑफ माइनस वन बाई फोर बाहर, ये बनेगा e की पावर आयटा एक्स, यहां है वही एक्स स्क्वायर
बाई टू ई की पावर आइटा एक्स। अब हमें रियल पार्ट चाहिए, इसका एक्सपेंशन करेंगे लास्ट में, करेंगे इसका एक्सपेंशन पूरा होने के बाद। तो इसका एक्सपेंशन करेंगे तो क्या जाएगा इसका मान, इसका मान आएगा माइनस का वन बाई फोर रियल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। क्या चाहिए रियल पार्ट, तो ये तो इमेजिनरी है, ये रियल है। क्या जाएगा इसका मान, माइनस का एक्स स्क्वायर बाई एट कॉस एक्स, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, इसका मान यहां रख देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे इसको और इसको, और हमारे पास किसका मान आ जाएगा, y का फाइनल मान आ जाएगा। तो ऐसे मेथड जो तीन मेथड है वो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डायरेक्ट यदि डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखने पे जीरो नहीं बनता, रख देते हैं। सेकेंड यदि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा है तो उसको अपन कोस में और साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड यदि डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हो, पावर हो, तब हम क्या करते हैं उसको ई की पावर आई टेक्स में कन्वर्ट करके और फिर सोल्व करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि जेपीएच की बुक में है, उसमें मिसप्रिंट है तो वो करेक्शन भी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल में के कोस बी टी। कंडीशन है इसकी, एक तो एक्स का मान जीरो, डी एक्स अपॉन डी टी का मान जीरो, कब, जब टी का मान जीरो। इसका मान पूछा है, इसका मान निकाल लिए, इसको सॉल्व कीजिए। स्पेशली कंडीशन दे दी x का मान और dx अपॉन dt दोनों का मान जीरो है, कब, जब t जीरो है। पहले तो ये बाद में करेंगे जब हमें x का मान आ जाएगा, इसमें x ऊपर है t नीचे है। अब तक जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां y ऊपर था और x नीचे था, इसमें x को ऊपर किया है t को नीचे किया, इसका मतलब x का मान आएगा। वही प्रोसेस है, cf निकालेंगे, pi निकालेंगे, बस x की जगह t आ गया और y की जगह x आ गया। तो पहले तो इसका सी एफ निकालेंगे, तो सी एफ डायरेक्ट लिख दूं मैं, इसका बनेगा हमारे पास में एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जीरो। ओके, डी है, डी लिख देना यार, डी अपॉन डी टी। एम स्क्वायर का मान ये है तो एम का मान क्या आ गया, प्लस माइनस आयोटा बी। तो इसका जो सी एफ बनेगा वो क्या बनेगा, सी वन कोस बी एक्स, सी टू साइन बी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। इसका पी आई निकाले तो वन अपॉन में डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कॉस डी टी। के कॉन्स्टेंट है बाहर, डी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखेंगे, जीरो बन रहा है, बट पावर वन है तो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे, के कॉस का इंटीग्रेशन साइन बी टी अपॉन में एक्स अपॉन में टू ए, अपॉन में टू ए, तो टू ए क्या है यहाँ पे, बी है, तो एक्स अपॉन टू। ठीक है, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एक ही जगह बी है तो बी आ गया, एक्स अपॉन टू ए बना। इसको दे देंगे इक्वेशन सेकंड, सी एफ निकाला है, पी आई के फॉर्मूले से पी आई का मान निकाला है। ठीक है, जो मान था वो यहां आ गया, इसका जो भी कोफिशियंट होता है वो यहां आ जाता है, x अपॉन टू ए, सॉरी x अपॉन टू ए नहीं होगा, t अपॉन टू ए होगा, क्योंकि x तब लेते हैं जब d अपॉन डी एक्स होता है, यहां डी टी है तो t आएगा, t अपॉन टू बी साइन बी टी। ओके, यहां x का मान क्या आ गया हमारे पास, सी एफ प्लस पी आई, सी वन कोस बी एक्स, यहां भी t आएगा, यार टी को एक्स में, एक्स को वाई वाला चेंज हो रहा है, तो ये थोड़ा सा देख लेना इसमें, यहां टी आएगा, यहां टी आएगा क्योंकि नीचे टी है,
यहाँ x आएगा क्योंकि ऊपर x है, x का ये मान आ गया c1 cos bt प्लस c2 sin bt प्लस pi k t 2 b sin bt। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आ जाओ क्या निकालना है, dx अपॉन dt निकाल सकते हैं, तो dx अपॉन dt निकालेंगे, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का c1 b sin bt प्लस का c2 cos bt, यहां b मल्टीपल में आएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा प्लस k t by 2 cos bt। इसको दे दो आप इक्वेशन फोर। अब आप कंडीशन से लेकर के चलो, x जीरो t जीरो, x जीरो है t जीरो है, तब समीकरण तीन से क्या बनेगा, x का मान जीरो। एक्चुअली में ये कंडीशन हमें c1 और c2 का मान निकालने के लिए दी हुई है, तो वो मान निकालना है हमें, x का मान जीरो, t का मान जीरो। t जीरो रखेंगे तो cos जीरो का मान वन होता है, sin जीरो का मान जीरो, sin जीरो का मान जीरो, केवल ये मान आएगा क्या, c1। तो c1 का मान जीरो आ गया। अब c2 का और निकालना है, तो दूसरी कंडीशन ले लो, dx अपॉन dt का मान जीरो और t का मान जीरो, तब समीकरण चार से, इसका मान जीरो, t का मान जीरो रख रहे हैं, तो c1 तो पहले से ही जीरो आ गया, ये तो जीरो बन गया, इसमें तो देखना नहीं है। c2 पे आ जाओ, c2 पे इसका मान वन हो गया, यहां आ जाओ cos का मान वन, तो क्या बन गया, बट t का मान जीरो रख रहे हैं, t का मान क्या रख रहे हैं, जीरो, तो ये जीरो बनेगा, तो c2 का मान भी क्या आ गया, जीरो। इस कंडीशन में c2 का मान जीरो, इस कंडीशन में c1 का मान जीरो, इंप्लाइज करके ये c1 और c2 के मान हम कहां रख देंगे, समीकरण तीन में रख देंगे। तो x का फाइनली मान क्या आ गया, ये जीरो, ये जीरो, के टी अपॉन में टू बी साइन बी, ये मान आ गया किसका, x का। और ये मान पूछा है वो आपसे कि x का ये मान होगा। लास्ट क्वेश्चन बच रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अच्छे से उस क्वेश्चन को समझना क्योंकि उसमें डाउट भी ज्यादा रहते हैं, और आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन समझाने लायक थे मैंने समझाए हैं, इसके बाद में आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर पाओगे, यदि फिर भी नहीं होते हैं तो आप डिस्क्रिप्शंस में नोट्स के लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लो, वहां आपको ये सारे क्वेश्चंस सीक्वेंस के अंदर आपको सॉल्व मिलेंगे, आपको वहां क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है, डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस टू एम कोस एल्फा डी एक्स अपॉन डी टी एन स्क्वायर एक्स इक्वल में ए कोस एन टी। कंडीशन दी हुई है टी जीरो है, एक्स जीरो, एन टी जीरो है, डी एक्स अपॉन डी टी जीरो। ओके, कंडीशन तो वही है जो अभी देखी थी हमने, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, वही एक्स ऊपर है टी नीचे है। पहले तो इसका सीएफ निकालेंगे, फिर इसका पीआई निकालेंगे। तो सीएफ निकालने के लिए क्या करें, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ सीएफ को। ये बनेगा हमारे पास में एम स्क्वायर प्लस का टू एन कोस एल्फा एम एन स्क्वायर बराबर जीरो। हमें क्या चाहिए, एम के मान चाहिए, एम के मान आने के लिए डायरेक्ट फैक्टर नहीं बनेंगे, तो श्रीधराचार्य से एम के मान निकालेंगे, माइनस का बी, माइनस का टू एन कोस एल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर फोर एन स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा माइनस फोर ए सी फोर एन स्क्वायर।
अपॉन में 2a 4n स्क्वायर कॉमन, तो m बराबर यहां से माइनस का 4n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, माइनस लेंगे तो आयोटा बाहर आएगा, 4 का 2 बनेगा, n स्क्वायर का n बनेगा, माइनस का 2n cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा 2n, अंडर रूट में क्या बच गया 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारे पास में माइनस का n cos अल्फा माइनस का n cos अल्फा प्लस माइनस आयोटा ये n, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर क्या बनेगा sin स्क्वायर, अंडर रूट है तो sin sin अल्फा, ये आगे इसके फैक्टर, तो cf का मान क्या आएगा, cf का मान आ जाएगा c1 cos n sin alpha, नीचे क्या है t, तो t आ जाएगा c2 sin n alpha t, और जो रियल में वैल्यू होते हैं वो कहां जाते हैं e की पावर में, e की पावर माइनस का n cos alpha t, ओके ये आ गया हमारे पास cf, इसको दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट, अब निकालेंगे क्या इसका pi, तो इसका pi निकालने के लिए इसको नीचे लिख देंगे 1 अपॉन में d स्क्वायर प्लस का 2n cos alpha d प्लस n स्क्वायर, एक कांस्टेंट है बाहर कर दो, cos n p, ओके जो क्वेश्चन था उसको लिखा हमने, कांस्टेंट को बाहर कर दिया और ये cos n t आ गया, अब क्या करते हैं d स्क्वायर की जगह t का कोफिशिएंट लेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे माइनस करेंगे, तो d स्क्वायर की जगह माइनस n स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा a अपॉन में n स्क्वायर को कैंसिल कर देगा 2n cos अल्फा d cos n t, ये कांस्टेंट है d है, नीचे d का मतलब इंटीग्रेशन बनाएगा वो, तो a अपॉन में 2n cos अल्फा इंटीग्रेशन बनेगा, cos का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा sin n t और नीचे आएगा n, फाइनली इसका मान आ गया a अपॉन में 2n स्क्वायर cos अल्फा sin n t, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, फाइनली हमारे पास में x का मान क्या आ गया, x का मान cf plus pi, cf है c1, इसको यहां लिख दो x बराबर c1 cos n sin alpha t c2 sin n alpha t e की पावर माइनस n cos अल्फा t प्लस pi का मान a अपॉन में 2n स्क्वायर cos अल्फा sin n t, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 3, अब क्या चाहिए हमारे पास x का मान आ गया, क्या निकाल ले dx अपॉन dt, तो अब किसका मान निकाल लेते हैं dx अपॉन dt का मान निकाल लेंगे और फिर ये कंडीशंस लेकर इसका मान निकाल सॉल्व कर लेंगे आगे, इसका dx अपॉन dt करेंगे क्यों, क्योंकि कंडीशंस में है, तो dx अपॉन dt t के रेस्पेक्ट में कर लो इसका इंटीग्रेशन, t के रेस्पेक्ट में दो फंक्शन है u into v मान के करेंगे, एक बार इसका करेंगे इसको as it is, एक बार इसका करेंगे इसको as it is, पहले इसका कर रहे हैं इसको as it is रखते हैं, ये बनेगा c1 cos का क्या बनेगा, ये पूरा फंक्शन है, ये पूरा
एन साइन अल्फा टी आएगा, साइन के साथ एन साइन अल्फा टी, ठीक है। ये पूरा एक फंक्शन है, ये पूरा कोस का बनेगा माइनस का साइन, मल्टीपल में क्या जाएगा एन साइन, देखो ये एन साइन अल्फा टी इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉन्स्टेंट एन साइन अल्फा इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो क्या लिख देंगे एन साइन अल्फा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सी वन, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एन साइन अल्फा टी, इसका करेंगे साइन का कोस प्लस का बनेगा तो सी टू कोस एन साइन अल्फा टी ई की पावर एज इट इज माइनस का एन कोस अल्फा टी प्लस, अब इसको एज इट इज रखेंगे सी वन कोस एन साइन अल्फा टी प्लस सी टू साइन एन साइन अल्फा टी, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा ई की पावर का ई की पावर होता है एन कोस अल्फा टी, अब इसका करेंगे तो क्या जाएगा माइनस का एन कोस अल्फा मल्टीपल में, तो माइनस का एन कोस अल्फा मल्टीपल, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये तो कांस्टेंट है प्लस ए अपॉन में टू एन स्क्वायर कोस अल्फा, साइन का क्या बनेगा कोस एन टी और ये एन इसके मल्टीपल, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर फोर। अब आ जाओ इसकी कंडीशन के ऊपर, कंडीशन ले रहे हैं पहले टी जीरो एक्स जीरो, तब समीकरण तीन से टी का मान जीरो रख दो और एक्स का मान जीरो रख दो, एक्स का मान जीरो, टी का मान जीरो रखेंगे तो इसका मान वन आ जाएगा, ये साइन है तो जीरो बनेगा, यहां जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो का मान वन बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, ओके ये जीरो बन गया, ये वन बन गया, ये जीरो बन गया, ये वन बन गया, फाइनली मान क्या है हमारे पास में सी वन, सी वन का मान क्या आ गया जीरो, इसको आप इक्वेशन नंबर डाल दोगे फाइव, तो सी वन का मान जीरो आ गया। अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं टी बराबर जीरो dx अपॉन dt बराबर जीरो, तो समीकरण फोर से इक्वेशन फोर, इक्वेशन फोर में t का मान जीरो रखेंगे और dx अपॉन dt का मान जीरो रखेंगे, तो ये बन गया जीरो इक्वल में, देखो t का मान जीरो रखेंगे तो c1 तो जीरो है, ये तो बन गया जीरो, c2 के अंदर cos है इसका मान वन आएगा, यहां बनेगा n sin अल्फा, यहां c2 इसका मान जीरो रखेंगे t का मान जीरो, तो ये e की पावर जीरो का मान वन बन जाएगा, इस वाले फैक्टर की बात करें तो c1 तो जीरो, यहां साइन आ रहा है इसका मतलब ये जीरो बन जाएगा, ये पूरा जीरो बन जाएगा फंक्शन, यहां देखें cos आ रहा है तो cos का मान वन बनेगा, तो ये बच गया हमारे पास ए एन टू एन स्क्वायर कोस अल्फा, यहां से c2 का मान निकालेंगे इंप्लाइज करके, c2 का मान क्या आ गया इसको उधर भेजेंगे तो माइनस का an अपॉन में 2n स्क्वायर cos अल्फा और इसका दे देंगे डिवाइड 1 अपॉन में n sin अल्फा, क्या लिख सकते हैं इसको n से n कैंसिल, माइनस का a अपॉन में n स्क्वायर, ये 2 sin अल्फा cos अल्फा है, 2 sin alpha cos alpha क्या बन जाएगा sin 2 alpha, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 3 में c1 और c2 का मान रख देंगे तो फाइनली मान क्या आ जाएगा x बराबर c1 का मान 0 c2 का मान ये, तो ये बनेगा माइनस का a अपॉन में n स्क्वायर sin 2 alpha sin
एन साइन एल्फा टी ई की पावर माइनस एन कोस एल्फा टी प्लस ए अपॉन में टू एन स्क्वायर कोस एल्फा साइन एन टी। ये हमारे पास में इसका फाइनल मान आ गया। ओके, तो ये आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे और जो अच्छे क्वेश्चन थे समझाने लायक, जिनमें डाउट्सफुल रहते हैं। बाकी के क्वेश्चन इजी है तो आप निकाल सकते हो उनकी हेल्प लेकर के। फिर भी यदि कोई डाउट्स रहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, उनके सारे लिंक वो नोट्स है, उनके सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन दिए हुए हैं सिक्वेंस के अंदर है। जेपीएच के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन सिक्वेंस वाइज कंप्लीट सॉल्व किए हुए हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने 18 क्वेश्चन है सारे किए हुए हैं वहाँ। तो आप जो भी क्वेश्चन डाउट है वो आप क्वेश्चन देख सकते हो। और इसी में नहीं, यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 4 डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीट उसमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं क्वेश्चन के। वहाँ आप जो भी क्वेश्चन में डाउट होते हैं वहाँ आप देख सकते हो और उनको आप क्वेश्चन को समझ के और फिर अपने नोटबुक में लिख सकते हो। ओके, थैंक यू।